रुपया दिया जाएगा, ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000 रुपया दिया जाएगा। लेकिन महोदय, शिक्षक दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा इसकी कोई चर्चा नहीं है। क्या पैसे देने मात्र से हमारी लड़कियां शिक्षित हो जाएंगी? क्या विद्यालयों में, महाविद्यालयों में शिक्षकों की जरूरत नहीं है? एक भी महाविद्यालय में लेबोरेटरी नहीं है, लाइब्रेरी ढंग से काम नहीं करता, शिक्षक नहीं है। आप सिर्फ पैसे बांट रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस लॉलीपॉप को देने से उनको बेहतर शिक्षा नहीं मिलेगी। उनको तभी बेहतर शिक्षा मिलेगी जब विद्यालयों में शिक्षक होंगे। अब जाकर हाई स्कूलों में देख लीजिए, कहीं साइंस के टीचर नहीं मिलेंगे, कहीं प्राचार्य नहीं मिलेंगे। और आप कह रहे हैं कि बहुत महिलाओं का विकास हो गया। ठीक है, आप 25,000-50,000 दे रहे हैं, उनकी चिंता कौन करेगा? हमारी आशा कर्मी बहनों की एक पैसा आप नहीं देते। लगातार वो आंदोलन करते हैं, उन पर लाठियां चलाते हैं। क्या वो महिलाएं नहीं है? कोई मानदेय नहीं दिया गया। आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय नहीं बढ़ाया गया। 5,000-6,000 में क्या होता है महोदय? क्या होता है 5,000-6,000 में? सहायिकाओं को पैसा नहीं दिया जाता? आज इस महंगाई के दौर में जहां 100 रुपए पेट्रोल हुआ है, वहां उनका शोषण हो रहा है। दूसरी बात महोदय, रोजगार की बात, जिस पर लगातार बिहार का नौजवान संघर्ष कर रहा है। 19 लाख रोजगार देने की बात हुई, लेकिन नौकरी के नाम पर कहा गया कि लोन देंगे। लोन देने की तो बात नहीं हुई थी, बात हुई थी नौकरी देने की। कहां आपने नौकरी दिया? कई सारे पद खाली हैं, कहीं बहालियों की बात नहीं है। पूरे का पूरा अभिभाषण में नौकरी कहां है इसको हम लोग खोजते जा रहे हैं। नौजवान सवाल पूछ रहा है कि भैया नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप बताइए कहां नौकरी है, कहां नौकरी दे रहे हैं आप? यहां लगातार लोकतंत्र की हत्याएं हो रही है। अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया को लेकर के फैसला बिहार पुलिस की तरफ से आया और कहा गया कि आप फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्या बिहार के नौजवानों को, बिहार की जनता को असहमति का अधिकार नहीं है? और अगर उसको असहमति का अधिकार है तो क्या सोशल मीडिया पर वो अपनी असहमति को प्रकट नहीं कर सकता? आप कह रहे हैं कि आप आलोचना नहीं कर सकते। क्या माननीय विधायक, माननीय मंत्री, माननीय सांसद या किसी बड़े ऑफिसर की आलोचना अगर हम सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं तो ये कहां से गलत है? लेकिन सोशल मीडिया पर लिखने पर रोक लगा दिया गया और कहा गया कि अगर सोशल मीडिया पर लिखिएगा तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। अभी कहा गया कि धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री और तमाम यहाँ के जो नेता हैं, मैंने सुना है और बहुत गर्व से वो लोग कहते हैं कि वो जेपी आंदोलन की उपज है। बहुत आंदोलन हुआ था उस दौर में, हम भी जेपी आंदोलन को हमने पढ़ा है, लेकिन उस समय भी धरना प्रदर्शन हुआ। धरना प्रदर्शन कर करके आदमी विधायक हो सकता है, मंत्री हो सकता है, तो धरना प्रदर्शन करके आदमी सरकारी नौकरी क्यों नहीं ले सकता? क्यों सरकारी नौकरी पर रोक लगाया गया है? मुझे लगता है कि आप आंदोलनों से डरते हैं। जिस तरीके से लाठीचार्ज करते हैं, जिस तरीके से दरोगा अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया, जिस तरीके से शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया गया, जिस तरीके से कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किया गया और हनन हो रहा है, महोदय मुझे थोड़ा सा वक्त दिया जाए। सही बात है, हम लोग नए सदस्य हैं, तो नए सदस्यों को अगर सिखा रहे हैं तो थोड़ा बोलने का भी मौका दीजिए और थोड़ा सा बोलने का भी मौका महोदय हम लोगों को दिया जाए। आप लोग चाहेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम चाहते हैं कि आप हमें भी बोलने का मौका दीजिए। तो महोदय, मैं ये कह रहा हूं कि बिहार की सरकार भी मोदी सरकार की तर्ज पर यहां लोकतंत्र की हत्या कर रही है। वहां किसानों के पांव में